नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। एनसीईआरटी की नकली किताबों से सावधान रहने की जरूरत है। हरियाणा में लगातार मिल रहे एनसीईआरटी की किताबें, सीएम फ्लाइंग की टीम ने फिर पकड़ा किताबों का जखीरा। महेंद्रगढ़ में दो बुक डिपो में छापेमार कार्रवाई की गई है और ऐसे में सीएम फ्लाइंग की टीम फिर से यहाँ पर किताबों का एक जखीरा पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बुक यहाँ पर डिपो से मिली है भारी मात्रा में नकली किताबें, तो लगातार कार्रवाई जारी है और ऐसे में सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्शन मोड में है और किताबों का जखीरा जो है वो बरामद किया गया है। महेंद्रगढ़ में दो बुक डिपो पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर और बुक डिपो से मिली भारी मात्रा में नकली किताबें। रविवार को भी रेवाड़ी से बरामद हुई थी नकली किताबें और जिस तरीके से लगातार नकली किताबों का जो जखीरा है वो बरामद किया जा रहा है और जिस इंक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेहद ज्यादा खतरनाक इंक है, क्योंकि उससे कैंसर जैसी घातक बीमारी जो है वो हो सकती है। साफ तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। सीएम फ्लाइंग टीम लगातार एक्शन मोड में है और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार बुक डिपो पर जाकर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हरियाणा में लगातार एनसीईआरटी की नकली किताबें जो है वो मिल रही है और इस नकली किताब की पहचान आपको बता दें कि इसमें जिस कागज का इस्तेमाल किया गया है वो काफी पतला है और जिस इंक का इस्तेमाल किया गया है वो भी सही नहीं है। बुक डिपो से भी भारी मात्रा में नकली किताबें जो है वो बरामद की गई है। एनसीईआरटी की नकली किताबें जो है उसका भांडाफोड़ हुआ है। रविवार से ही लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। ये बड़ी खबर, हरियाणा में लगातार एनसीईआरटी की नकली किताबें जो है वो मिल रही है और ऐसे में आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बार फिर से जो है किताबों का बड़ा जखीरा जो है वो पकड़ा है महेंद्रगढ़ में। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, लगातार सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की टीम जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कार्रवाई जो जारी है और कई लोगों को अभी लगातार पूछताछ भी की जा रही है। बुक डिपो में भारी मात्रा में नकली किताबें जो हैं वो बरामद की जा रही है और ऐसे में इसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी लंबी है और हर जगह जो है इसकी सप्लाई की जा रही है और ऐसे में अब सीएम फ्लाइंग की टीम जो है काफ़ी ज़्यादा सतर्क नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार बुक डिपो पर जाकर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो सीएम फ्लाइंग और सीआईडी टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। भारी मात्रा में एनसीईआरटी की नकली किताबें जो है वो बरामद की गई है। दो बुक डिपो से भारी मात्रा में नकली किताबें जो है वो मिली है। सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की टीम लगातार सतर्क है और आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कवलपाल गुर्जर का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से एनसीईआरटी की नकली किताबें प्रदेश में मिल रही है ये काफी चिंताजनक भी है और इसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इसके खिलाफ जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एनसीईआरटी की नकली किताबों से अब सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से इसमें पेपर का इस्तेमाल हो रहा है, जिस इंक का इस्तेमाल हो रहा है वो बेहद ज्यादा घातक है, ना सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बल्कि उनके फ्यूचर पर भी बेहद ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। तो एनसीईआरटी की नकली किताबें जो है वो पकड़ी गई है। आपको बता दें कि रविवार से ही सीएम फ्लाइंग की टीम जो है वो सतर्क है, लगातार एक्शन लिया जा रहा है और ऐसे में भारी मात्रा में एनसीईआरटी की नकली किताबों का जो जखीरा है वो बरामद किया गया है। लगातार बुक डिपो पर जाकर भारी मात्रा में किताबों को बरामद भी की जा रही है और ऐसे में सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की संयुक्त रूप से ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो एनसीईआरटी की नकली किताबों से सावधान रहने की जरूरत, सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की ये बड़ी कार्रवाई जो है ये सामने आया। आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई है वो लगातार साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एनसीईआरटी की जिस तरीके से नकली किताबें जो सामने आई है और ऐसे में बुक डिपो पर भी अब लगातार छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि जिस इंक का इस्तेमाल किया जा रहा है और खबरों के मुताबिक उस इंक के इस्तेमाल से जो है बच्चों को कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है, तो साफ तौर से ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर कितनी बड़ी जो लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है। तो भारी मात्रा में एनसीईआरटी की नकली किताबें यहाँ पर लगातार बरामद हो रही है और सीएम फ्लाइंग की टीम जो है लगातार एक्शन मोड में भी है। तो आपको बता दें महेंद्रगढ़ में कार्रवाई को अंजाम दिया गया और भारी मात्रा में एनसीईआरटी की नकली किताबें जो है वो बरामद की गई है और लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो जारी है। तो एनसीईआरटी की नकली किताबें पकड़ी गई है और आपको बता दें सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की बड़ी कार्रवाई जो है उसे अंजाम दिया गया है और इस दरमियान लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है वो भी जारी है, क्योंकि ये जो सप्लाई का जो चैन है वो काफ़ी बड़ा है और
इसको पकड़ने के लिए, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है इसको जानने के लिए लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम जो है वो छापेमार कार्रवाई कर रही है। तमाम बुक डिपो पर जाकर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 बुक डिपो से भारी मात्रा में जो है किताबों को यहाँ पर जब्त कर लिया गया है। सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। महेंद्रगढ़ का ये पूरा मामला लगातार जो है रविवार से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो एनसीईआरटी की नकली किताबों का जखीरा बरामद किया गया। तो हमारे साथ डॉक्टर अचित नारायण जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जी, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं एनसीईआरटी की, जो किताबों में इंक का इस्तेमाल हो रहा है वो बेहद ज्यादा घातक है, क्योंकि इससे बच्चों को कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। नमस्कार। डेफिनेटली जो इंक प्रयोग में लाई जाती है उसमें नाइट्रो कंपाउंड्स रहते हैं, जो कि यूज करने वालों के लिए जहाँ प्रिंटिंग प्रोसेस चल रही होती है उनके लिए तो डेफिनेटली खतरा बननी जाती है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे इन डाइज के इनहेलेशन से फ्यूचर में लंग कैंसर और ब्लैडर कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होने का डर रहता है। अब क्या यूजर के लिए किताबें यूज करते हैं उनके लिए भी ये खतरा बन पाएगा कि नहीं, ये लंबे समय के यूज के बाद ये भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस अभी फिलहाल है नहीं। लेकिन जो लोग इस प्रक्रिया में, प्रिंटिंग प्रोसेस की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये कैंसर का खतरा पैदा करती हैं ये डाइस। जो नाइट्रो कंपाउंड्स मेनली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं इन डाइस में, वो अगर प्रोसेस कंट्रोल नहीं है, एक फ्लाई जैसी एक समस्या रहती है तो उसमें इन्हेल कर लेते हैं, इन्हेल करने से कैंसर की समस्या उत्पन्न होने का डर रहता है। और अचिन जी, जिस तरीके से अब बच्चे जो है उन्हें समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट जो है वो कैसे किया जा सकता है कि हाँ इस किताब में इस इंक का इस्तेमाल किया गया है और बच्चे उससे कैसे सतर्क रहे? ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो इस तरह की प्रोसेस जहाँ नकली किताबें छपती हैं वहाँ ऑब्वियसली कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी से तो कोई अप्रूवल होता नहीं है, तो डाइस तो कर सीने के लिए। अजीत जी, तो जिस तरीके से हम यहाँ पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है, लेकिन क्या इस दरमियान स्किन से जुड़ी हुई भी समस्या हो सकती है? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से अश्विन जी से संपर्क टूट चुका है, जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें भारी मात्रा में एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें खराब इंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बच्चों के लिए बेहद ज्यादा घातक साबित है। और जिस तरीके से हमें डॉक्टर ने भी कहा कि जो इंक का इस्तेमाल हो रहा है वो खराब तो है ही, खतरनाक भी है, लेकिन डिफरेंशिएट जो है वो यहाँ पर बच्चे या फिर पेरेंट जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है वो सामने आया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम जो है वो छापेमार कार्रवाई कर रही है एनसीईआरटी की, कितनी यहाँ पे ऐसी किताबें हैं जो नकली बरामद की गई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से रेवाड़ी के बाद महेंद्रगढ़ नारनौल में कार्रवाई हुई है, बड़े ही गंभीर मसला है। रात तक बात करें तो जो महेंद्रगढ़ नारनौल में कार्रवाई हुई थी 866 किताबें मिल चुकी थी जो की नकली किताबें थी। देखने में तो है किताबें बिल्कुल हूबहू एनसीईआरटी ही जैसी दिखती हैं, लेकिन उसमें फर्क ये है कि उसमें वाटरमार्क नहीं होता। यदि कोशिश की जाए तो वो पहचानी जा सकती है क्योंकि उसमें वाटरमार्क नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो शाही यूज होती है, शाही वो कैंसर से लेकर स्किन का रोग हो या फिर आंखों का रोग हो, सबके लिए ही बहुत ज्यादा ही गंभीर है और उससे बहुत बच्चे बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। हमने कल कुछ चिकित्सकों से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि इस तरह की इंक बच्चों पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डालती है, ऐसे में ये किताबें कितनी गंभीर है समझा जा सकता है।
क्योंकि जिन नौनिहालों पर देश को भविष्य है, जो बच्चे, उनको किस तरह की किताबें पढ़ाई जा रही है केवल एक मुनाफे के चलते, तो ये बहुत गंभीर मसला है। लेकिन इसमें जिस तरह से सीएम फ्लाइंग तत्परता से कार्रवाई कर रही है, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी इस तरह कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि रेवाड़ी में 900 किताबें मिली थी, उसके बाद लगातार रेवाड़ी में भी अन्य जो पुस्तक भंडारण पे जांच चल रही है। अभी जो नारनौल में कल कार्रवाई हुई थी, देर रात वहां पे सीबीएसई जो एनसीआरटी के अधिकारी थे वो पहुंचे थे, किताबों की जो गिनती रात तक हो पाई थी उसमें 866 किताबें मिल चुकी थी, करीब 30 टाइटल की। यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि जिसमें कि नकली बुक्स हो, अधिकतर सभी सब्जेक्ट्स हैं जिसकी नकली बुक प्रकाशित भी हो रही है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो रही है, स्कूलों तक पहुंच रही है। ऐसे में सवाल है कि यदि इसमें मामले की गंभीरता से जांच की जाए तो इसमें बहुत बड़ी मिलीभगत मिल सकती है, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा भी हो सकता है। जी बिल्कुल अमित, यहाँ पर मिलीभगत बिल्कुल हो सकती है, और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, बच्चों के भविष्य के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है अमित, लेकिन इसकी जो चैन है वो बहुत लंबी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक बिल्कुल भी तस्वीरें जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही। जी मैं आपको बता दूं कि रेवाड़ी में 3 दिन पहले कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई के बाद दिल्ली एनसीईआरटी के जो पायरेसी सेल के चेयरमैन है विपिन दीवान, वो रेवाड़ी पहुंचे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये रेवाड़ी तक का ही मसला नहीं है, ये पूरे प्रदेश बाकी एनसीआर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले भी कार्रवाई में बताया कि हापुड़ और मेरठ में भी कार्रवाई की गई थी और बड़े स्तर पर इस तरह की किताबें मिली थी। मसला है कि जहां से पब्लिश होती है, मेरठ हो या फिर हापुड़ हो या फिर रोहतक हो, रोहतक के अलावा अन्य जहां जगह जहां पे भी प्रिंटेड हो रही है, कार्रवाई वहां पे होनी जरूरी है। यदि जहां से पुस्तक पब्लिश होती है यदि वहां पर कार्रवाई होगी तो शायद ये वितरित नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इस खेल में तार बड़े खेल से जुड़े होने की संभावना उन्होंने भी इशारा किया था। ऐसे में यदि जांच आगे बढ़ेगी तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि तार और जगह भी जुड़े हुए मिल सकते हैं। बिल्कुल अमित, और ये अभी साफ ये भी नहीं कह सकते कि ये कब से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि ये बेहद ज्यादा घातक भी है। अमित, इसी के साथ अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। जी मैं अभी आपको बता दूं कि जो पूरे इंडिया के एनसीईआरटी पारसी सेल के चेयरमैन है वो रेवाड़ी पहुंचे थे, हमने उनसे बातें की थी, उन्होंने बताया था कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, ये पुस्तकें महज इनमें डिफरेंस है 60 रुपए का डिफरेंस है, 20 रुपीज की जो नकली बुक पड़ती है और 20 रुपीज की होती है, जो कि 80 रुपीज की आम एनसीईआरटी की बुक होती है। 40 रुपए में बच्चे के 40 रुपए के मुनाफे के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तो इन बता दें कि इनका जो कागज होता है वो बेहद ही निम्न क्वालिटी का होता है, दूसरा इंक यदि बात करें तो बिल्कुल ही इतनी घटिया क्वालिटी की होती है कि आंखों में जलन होती है जब बच्चे उसमें पढ़ते हैं, तो वो फर्क देखा जा सकता है। एनसीईआरटी का कहना था कि हमने जिस तरह से हरियाणा में कार्रवाई हुई है। ठीक है अमित, बिल्कुल आप बने रहिएगा, हमारे साथ डॉक्टर अचिन जी जुड़ चुके हैं। अचिन जी, जिस तरीके से इंक का इस्तेमाल किया जा रहा है इस किताब में, और ऐसे में अगर बात करें तो कैंसर जैसी तो घातक बीमारी है, और किस बात से सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है? बच्चों की आंखों पे भी असर पड़ता है, जो प्रिंट क्वालिटी रहती है वो और जो रीडिंग क्वालिटी इंडेक्स रहता है वो अच्छा नहीं रहता इन पुस्तकों का, तो उससे डेफिनेटली आंखों पर जोर पड़ता है। बच्चों की कैंसर जैसी समस्या तो जो है वो प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान की है, लेकिन जो बच्चों के ऊपर आंखों के ऊपर जोर पड़ता है उस पर भी लंबे समय से यूज करने से उनकी रोशनी पे फर्क भी आ सकता है इससे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ऐसे में डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी की बुक का इस्तेमाल कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारी, इनफैक्ट संख्या बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जब भी कोई चीज सस्ते में उपलब्ध हो जाती है तो वो ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो ऐसे में अब कितना वॉल्यूम इसका मार्केट में है, कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं ये कहना तो हम नहीं बता पाएंगे, ये तो एनसीईआरटी या अथॉरिटीज ही इसको देख पाएंगी कि क्या करना है, लेकिन डेफिनेटली इसके यूज से जो नुकसान हो रहे हैं बच्चों को वो डेफिनेटली उसको सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए अभी आपको बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे जो आपको सुन रहे होंगे, ऐसे में क्या आप उन्हें क्या कहेंगे, किस तरीके से वो इनिशियली समझ सके कि जो वो बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, कैसे कुछ जरिया है इसको समझने के लिए? देखिए जरिया तो यही है कि आप ऑथराइज्ड जो भी बुक स्टोर्स हैं वहां से लीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स खुले पुस्तक ऐसे तो मिलेगी नहीं, और जैसा अमित ने अभी बताया कि जो पेपर क्वालिटी है वो नॉर्मल एनसीईआरटी जैसी नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल है, और स्पेशली जब अगर शॉर्टेज हो जाती है एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक्स की, तो इस तरह की डुप्लीकेट बुक्स ज़्यादा बिक्री में आ जाती हैं, तो ये तो सरकार को ही निश्चित करना होगा कि किस तरह से डुप्लीकेसी रोकी जाए और ओरिजिनल बुक्स ही बच्चों को प्राप्त हों।
ठीक है अच्छी जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम आपने यहाँ पर बातें रखी हैं, और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते, रविवार को रेवाड़ी में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नकली एनसीईआरटी की किताबों का जखीरा बरामद किया है। एनसीईआरटी की नकली किताबों में जो स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेहद ज़्यादा खतरनाक और घातक है, क्योंकि उससे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है, और आपको बता दें कि स्किन जैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में भी दिक्कतें आ सकती हैं, आँखों में भी तकलीफें हो सकती है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम और सीआईडी की टीम जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। बुक डिपो पर जाकर किताबों का जखीरा यहाँ पर बरामद किया जा रहा है, और आपको बता दें कि जिस पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पेपर भी काफी पतला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनाते हैं। इस प्रकार का कहीं भी कोई भी हमें मिलेगा तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी ने इस प्रकार का कोई भी इस प्रकार की पुस्तकें छापी और इस प्रकार की बेची है इसने भी। चलिए, तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।